नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। मुद्दा बेहद ही सेंसिटिव है क्योंकि बात कर रहे हैं आज महिलाओं की। बस में बेबस महिला, आखिर क्या कारण, क्या वजह, क्यों खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है एक महिला बस में। जिस बस में वो सफर तय करती है, काम के लिए जाती है या फिर अपने रोजगार के लिए जाती है, उसी बस में अगर एक महिला खुद को असुरक्षित महसूस करती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन, सवाल बड़ा है। मानसिकता कब बदलेगी, दूसरी बात व्यवस्था कब बदलेगी। बहुत कुछ बदलने की बातें होती हैं, बदलते हुए तो हम कुछ भी नहीं देख रहे। इसलिए आज ये सवाल अहम है क्योंकि मेरे जैसी कई महिलाओं की सुरक्षा इससे जुड़ी है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट, किस तरह से उस महिला के आंसू उसके दिल के दर्द को बयां कर रहे हैं। नहीं, ये बस आपको पब्लिक सेवा के लिए दे रखी है ना कि वापस टाइम में घुमाते हो इसको। बस अब और नहीं, बेबस मैं हूं तो सही। चलती बस में निकलते आंसू, गिरते आंसू, बिलकती सांसें, चिल्लाती आवाजें, बताती आवाजें, ये सेवा नहीं, ये मनमानी है। और इस मनमानी बस में मैं बेबस हूं। फिर बस चलती मेरी बेबसी पर, तो मैं क्या करूं। नहीं, ये बस आपको पब्लिक सेवा के लिए दे रखी है ना कि वापस टाइम में घुमाते हो इसको। आपके घर की नहीं है, पब्लिक सेवा के लिए आई है। बच्चे वैसे परेशान होते हो। सड़कों पर सरपट दौड़ती हरियाणा रोडवेज की बसें और सरपट बस पे दौड़ते आंसू। बेबसी का घूंट पीती महिलाएं क्या मांगती, महज सुरक्षा, एक वादा कि जब वो बस में सफर करें तो वो बेफिक्र हों, महफूज हों, सुरक्षित हो। लेकिन छोटी सी ख्वाहिशों में सोच का मैल इस कदर जमा हुआ है कि आंसू निकलते भी है तो बस बेबसी को कुचलती, सरपट दौड़ती आगे बढ़ जाती है। और पीछे रह जाते तो बस झूठे दावे और वादे। एक वीडियो और रोती लड़की, ये कहती लड़की कि मुझे उतार दो, मेरा कसूर क्या है। टोहाना सब डिपो की रोडवेज बस में सवार नर्सिंग कॉलेज की एक छात्रा की बेबसी पर बस चलती रही, आंसुओं को कुचलती रही, लेकिन बेशर्मी का घूंट पिए ड्राइवर और कंडक्टर मनमानी करते रहे। छात्रा रोती रही और पूरा मामला कैमरे में कैद होता गया। ड्राइवर और कंडक्टर की मनमानी के चलते बस चलती रही और छात्रा को उसके स्टॉप से 4 किलोमीटर आगे उतारा गया। ये कहां का इंसाफ और ये कैसी महिला सुरक्षा जिसमें महिलाएं ही असुरक्षित हैं। मैं फत्यावास से रतिया की ओर जा रहा था तो ये बस के अंदर एक स्टूडेंट थी जो कि अपने फत्यावास से चढ़ी थी और एरवा के निजी कॉलेज में पढ़ती है जी। वो तो वो अपने उतरने के लिए वो कंडक्टर से अपने रिक्वेस्ट करी थी कि मैंने यहाँ अपने एरवा के अंदर उतरना ही, और वो बार बार चिल्लाती रही, रोती रही कि मेरे उतरना है, उतरना है, उतरना है, लेकिन कंडक्टर ने किसी प्रकार की उसकी बात नहीं सुनी। ये महज एक खबर, लेकिन इस एक खबर ने महिला सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी। बस में सवार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं आम हो चली, लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं जाता। सामाजिक मुद्दों पर अपनी जिम्मेदारी और आपके भरोसे को ध्यान में रखते हुए आज हम बस में बेबस महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि बस अब और नहीं। मैं थोड़ी बोलती हूँ। ये कि बस को नहीं, आप बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते।
महिला सुरक्षा का संबंध रोडवेज बसों से इसलिए है क्योंकि एक के बाद एक ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही हैं जो रोडवेज बसों को लेकर कई सवाल उठा रही हैं। महिला सुरक्षा उनमें से एक है। गुड़गांव से झज्जर जाने वाली रोडवेज बस में इस वक्त हम हैं और साइबर सिटी गुड़गांव के अंदर ही हम खड़े हैं। रोडवेज बस जो चलना शुरू भी हो गई है, चलते चलते उनमें जो यात्री सवार हैं उनसे जानते हैं कि आखिर रोडवेज बसों में सफर करना उनकी पहली प्राथमिकता है या उनकी मजबूरी है। साथ ही जाने की महिला सुरक्षा को लेकर क्या वाकई में गंभीरता दिखती है क्या? मेरे साथ कुछ सवारियां, मैं उनसे जानता हूँ क्या लगता है आपको। आप सब फीडबैक है कि रोडवेज कभी भी अपने जो स्टॉपेज है वहाँ पर उतरने नहीं रहती है। आपके जहाँ पर स्टैंड है उससे नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर रुकेगी नहीं। स्टैंड पर तो अक्सर सी यही रोडवेज है, आधे स्टैंड पर भी नहीं रुकेगी जहाँ पर इसका स्टॉपेज है। आधे से ज़्यादा कम स्टैंड पर रुकती है। लोग बाग इतने परेशान से है कि सवारी खड़ी रहती है लेकिन फिर भी कोई उनका पहली प्राथमिकता आपकी है मजबूरी में। आप सब मजबूरी है कि एक हम इसमें सफर कर रहे हैं। फरीदाबाद से जो गेट में पड़े हैं ना उसे उतारन लग गए तो मैं भाई भाई मैं अड्डे पर जाऊंगी। अड्डे पर नहीं रोका, फिर यहाँ रोक दिया दो, फिर मैं वापस गई अड्डे से। हाँ अब होया है ना, सुल्तानपुर और खेड़ा जांगेवाला है वहाँ पे नहीं रुकती है। सुल्तान खेड़ा जांगेवाला के जो है ना वो है ना उन्हें सुल्तानपुर रुकना पड़ता है जब वो पैदल जाते हैं खेड़ा जांगेवाला के लिए। अच्छा, ये हमेशा होता है। ये होता है। अच्छा। और जो लंबे रूट की बस आती है ना वो रुकती नहीं है। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आपको इतना बताने के लिए काफी कि जिस बस में आप सफर करते वो बस आपकी बेबसी का रोज इम्तिहान लेती है। और प्रशासन कहता है कि आप रोते भी तो क्या हुआ, बस और मनमानी साथ साथ चल तो रही है। सर ये एक वीडियो भी वायरल हुआ है, भी एक लड़की कॉलेज इंस्टीट्यूट की है उतरने के लिए कह रही है कंडक्टर को, तो वीडियो दिखाई गई आपको, क्या सर इसमें पूरा प्रावधान क्या है, क्या मामला है सर? जैसा कि आपने बताया है कि एहरवान से एक किलोमीटर आगे ये इंस्टीट्यूशन का मामला है, लड़की को नहीं उतारा गया। पहली बात तो ये है कि भाई अगर हम हर किलोमीटर के ऊपर गाड़ी रोकेंगे तो 50-52 सवारियों को इससे दिक्कतबाजी होती है। अब एक नज़र उन वादों पर भी जो चुनाव में किए गए। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के लिए सुरक्षा गार्ड युक्त निशुल्क जिला स्तरीय छात्रा बस सेवा प्रदान की जाएगी। शहरों में भी स्कूल कॉलेज की छात्राओं के लिए हरियाणा रोडवेज में फ्री बस पास और सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जाएगी। ये हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी का घोषणा पत्र कह रहा है। घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है, महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा रोडवेज में सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती की जाएगी। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि आपसे चुनाव में कहा क्या गया था और आपको मिला क्या। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम भी हम नहीं भूले। पहले केंद्र सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को मजबूती देने के लिए 150 करोड़ का बजट बनाया गया। फिर राज्य की मनोहर सरकार ने अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और इसके लिए परिणीति चोपड़ा को 10 करोड़ देने का भी फैसला हुआ। अब सवाल यहीं से खड़े होते हैं कि तस्वीर करोड़ों लाखों खर्च करने से बदलेगी या तस्वीर और सूरत हाल बदलने के लिए जरूरी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। सवाल है अगर इन्हीं पैसों को सरकार सुनियोजित ढंग से खर्च करती, अगर इन पैसों से बसों में सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती की जाती तो क्या हालात इससे बेहतर नहीं होते? कहानी के सारे पहलू आपके सामने, फैसला आपको लेना है, सोचना सरकार को, क्योंकि जब तक इस विषय में संजीदगी नहीं दिखाई जाए तब तक महिला सुरक्षा के तमाम वादे और दावे एक सफेद झूठ की तरह ही लगेंगे। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बिल्कुल आपने देखा कि इस रिपोर्ट में हमने आपको किस तरह से विस्तार से बताया है, किस तरह वो लड़की वो छात्रा रो रो के कह रही है बस ड्राइवर को कि आप बस रोक दीजिए, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक सर्विस के लिए है। और वही पब्लिक अगर दुखी हो रही है और महिलाएं को बेहद व्यवस्था देने की बातें करते हैं, अगर उन्हीं महिलाओं की अगर हम बात करें किस तरह से बेरुखी से ये ड्राइवर या फिर कंडक्टर पेश आ रहे हैं तो यकीनन सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच एक और घटना हुई। हरियाणा न्यूज की ही कर्मचारी जो कल वॉल्वो बस में सफर कर रही थी अंबाला में, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस बस का
नंबर भी आप देख सकते हैं, ये वॉल्वो बस है। गुड़गांव से दिल्ली से वो कल अंबाला अपने घर गई और उसके साथ भी बदतमीजी हुई। हरियाणा न्यूज की महिला कर्मचारी जो अपने घर गई उसके साथ भी बदतमीजी हुई। उसने भी रात थी, अकेली थी, उसने कहा कि मुझे यहाँ उतार दिया जाए, मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं बीमार हूँ, मेरे को यहाँ पिक करने के लिए मेरे घर वाले आने वाले हैं। तो बस ड्राइवर महाशय कहते हैं उतारेंगे नहीं, ज्यादा बोलोगी तो तुझे जीरकपुर जाके उतारेंगे। बताइए क्या इस तरह से एक महिला से, एक लड़की से कोई बात करेगा? क्या ये मानसिकता है जो नहीं बदल रही, या फिर ये व्यवस्था है जिसे बदलने की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं लेकिन बदला कुछ नहीं दिखाई दे रहा? क्या परिणीति चोपड़ा या फिर माधुरी दीक्षित को लाने से सब कुछ बदल जाएगा? जी नहीं, नहीं बदलेगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे और हम नहीं चाहेंगे तब तक ना तो परिणीति के आने से कुछ होगा, ना माधुरी दीक्षित के आने से कुछ होगा। ये बदलाव तो तभी होगा जब आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हम आज कर रहे हैं, मेरे साथ दोनों लोग मौजूद हैं, वो तरुण भी फतेहाबाद से जिन्होंने ये पूरा वीडियो बनाया, और हरियाणा न्यूज की महिला कर्मचारी प्रतिमा भी हमारे साथ मौजूद है, फोन लाइन पर उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक मुलाकात आपकी करवा दूं, रूबरू करवा दूं हमारे खास मेहमान से। प्रदीप नरूला है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पत्रकार भी हैं, नमस्कार जी। मेरे साथ सूरजपाल अम्मू है बीजेपी से, नमस्कार। दिनेश अग्रवाल इनेलो से, सुनीता शेरावत है कांग्रेस से, हाँ दलवीर धनकर, हमेशा दिनेश अग्रवाल जी आजकल आ रहे हैं तो दलवीर धनकर है मेरे साथ इनेलो से, और मेरे साथ सुरेश यादव है रोडवेज कर्मचारी संघ से, आपका स्वागत है। तरुण आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस मैम। तरुण मुझे बताइए, आप कई बार आज सुबह से बता चुके हैं लेकिन एक बार फिर से जानना चाहूंगी क्योंकि ये मुद्दा बेहद अहम है और आपने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ, आपको शाबाशी देती हूँ कि आपने इतनी हिम्मत की, आपने ये वीडियो बनाया और इस वीडियो के जरिए आज हम इस पूरे मसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तरुण मुझे बताइए कि क्या हुआ था? पिक्चर्स में तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो लड़की रो रही है। सबसे पहले तो मैम मैं अपने जो हमारे फतेहाबाद के संवाददाता है जो हरियाणा मतलब न्यूज के चैनल के, हाँ तरुण बताइए क्या हुआ था, कहाँ से कहाँ आप जा रहे थे? मैम मैं फतेहाबाद से एरमा जा रहा था, हाँ, और रतिया जा रहा था, हाँ, जो कि ये एरमा के अंदर जो छात्र है ये वाली, हाँ, ये एरमा के निजी कॉलेज के अंदर ये पढ़ना मतलब ये पढ़ती है, वहाँ नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पे, तो इधर से ये पढ़ना चाहती है तो जिसको वहीं पे रुकना था तो हाँ, वो रुकने के लिए वो पहले ही अपने मतलब सीट से खड़ी हो गई थी कि मतलब कंडक्टर को इसने कह दिया था कि मेरे को सीट से उतरना है और मेरा स्टॉपर आने वाला है। हाँ, कंडक्टर ने कोई किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं सुनी उसकी, वो उसके इतनी चिल्लाती कि उसके आंसू तक भी आ चुके थे, लेकिन इस बात के लिए कोई भी असर नहीं हो रहा था उस कंडक्टर पे। हाँ, हाँ जी मैम। और बस ड्राइवर का क्या रवैया था? वो बस ड्राइवर को भी कह रही थी? नहीं, बस ड्राइवर को भी कह रही थी, वो इतनी बार बार चिल्ला भी चुकी थी वो, लेकिन हाँ, किसी दोनों को भी वो नहीं था। ड्राइवर कंडक्टर का ये भी कहना है मेरी सीटी मारने से बस नहीं रोकता। हाँ, बस से क्यों सीटी, अगर कंडक्टर की बस कंडक्टर की सीटी से ड्राइवर बस नहीं रोकेगा तो किसकी सीटी से बस रोकेगा? हाँ, ये बात बताइए आप पहले। तो क्या आप लोगों ने, बाकी सवारियों ने कहा कि बस रोक दो, ये लड़की रो रही है? बाकी सवारियों ने सभी ने कहा कि आपकी बेटी होती ये वाली, हाँ, तो आप पे क्या बीतता? हाँ, तो इसलिए ने कंडक्टर ने इसलिए बस वहाँ पे नहीं रोकी। उसका कहना है कि ये एरिया बहुत खतरनाक है और वहाँ पे बस स्टॉप है। हाँ जी, वहाँ पे बस स्टॉप है, लेकिन उसका कहना है कंडक्टर का भी कहता है वहाँ पे बस स्टॉप ही नहीं है, बकायदा वहाँ पे सारी बसेस रुकती हैं और कई बसेस ऐसे हैं लड़कियां खड़ी होती हैं या कुछ स्टूडेंट्स खड़े होते हैं उस कॉलेज के बाहर, तो बसेस तो रोकते ही नहीं, सीधे चले जाते हैं। करुण आप मेरे साथ बने रहिए, बड़ी हैरानी की बात है, ये एरिया बहुत खतरनाक है। अगर ये एरिया खतरनाक है तो वहां की पुलिस क्या कर रही है, लोकल प्रशासन क्या कर रहा है, क्या वो आंखें बंद करके बैठे हैं? बड़ा सवाल है। दूसरी बात, अगर वहां पे बस स्टॉप है तो आज तक वो बस स्टॉप पे बसें नहीं रुकी थी, ये भी बड़ा सवाल है। तब वहां का जिला प्रशासन या फिर पुलिस या फिर ये जो बस ट्रांसपोर्ट है ये क्या कर रहे हैं? अब मेरे साथ मेरी महिला कर्मचारी भी, एक बार उनसे बात करते हैं। प्रतिमा आप सुन रही हैं मुझे? जी। प्रतिमा मुझे बताइए, कल रात जब आप वॉल्वो बस से ट्रेवल कर रही थी तो अंबाला में आपके साथ क्या हुआ?
जी, मैंने कश्मीरी गेट से अम्बाला के लिए वॉल्वो ली और उसके बाद जब मैं अम्बाला के पास पहुंचने वाली थी तो मैंने बस ड्राइवर से पूछा जाके कि आप मुझे कहां पर उतारेंगे. तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे अम्बाला कैंट पे बस स्टॉप पे उतारेंगे या आप मुझे बलदेव नगर बस स्टॉप पे उतारेंगे. तो उसने बोला कि आपको उतार देंगे. तो मैंने बोला कहां पर, पहले तो मुझे ये क्लियरली बताया नहीं कि आपको कहां पे उतारेंगे. तो मुझे बोलता अम्बाला में ही उतारेंगे आप जाए. उसके बाद मैंने अपने घर वालों को बलदेव नगर फ्लाईओवर के पास बुला लिया जहाँ पर अमूमन बस रुकती है हमेशा जब मैं वॉल्वो से जब भी आती हूँ तब. और जब अम्बाला कैंट पे पहुंचे फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे उसने मुझे बोला आप यहाँ पर उतर जाइए. तो मैंने बोला मैं यहाँ पर क्यों उतरूँ, आपको मैंने बोला था कि आप मुझे वहाँ पर उतारिएगा और आप मुझे बोल रहे हो यहाँ पर उतरिए. तो बोलता है कि यहाँ पर उतर जाइए आप, आपको यहीं पर उतरना पड़ेगा वरना आपको मैं उतारूंगा नहीं. मैंने कहा आप कैसे बात कर रहे हो, मैं तो आपको बोल रही हूँ, पोलाइटली पूछ रही हूँ कि आप कहाँ पे उतारोगे, आपने पहले मुझे क्लियरली नहीं बताया. अब आप कह रहे हो कि यहाँ पर उतर जाओ, 10 बजे रात के समय हो गए, मैंने अपने पापा को वहाँ पर बुलाया, पापा वहीं पर आएंगे, आप पहले बोलते तो मैं यहाँ पे बुला लेती. 5 किलोमीटर फ्रॉम बलदेव नगर तो पापा वहाँ पर थे और मुझे बोलते कि आप यहाँ पर उतर जाओ. और बाद में मुझे धमकियां देने लग गया कि यहाँ पर नहीं उतरोगी तो तुझे मैं जीरकपुर में उतारूंगा, तो जीरकपुर चल के वहीं पर तुझे उतारूंगा, यहाँ पर तुझे मैं उतारूंगा नहीं. बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था बस में जो दूसरे लोग सवार थे. जब उन्होंने आगे आकर बोलने की कोशिश की कि आप क्यों बहस कर रहे हो, आप आधी रात को एक लड़की से ऐसे कैसे बात कर रहे हो और बोल रहे हो कि यहाँ पर उतर जाओ, यहाँ पर पूरा सुनसान रोड है, कोई है भी नहीं है, कुछ हो जाएगा उल्टा पुल्टा. तो बस ड्राइवर और कंडक्टर गाली गलौज करने लग गया उनके साथ, बहुत बदतमीजी से बात करने लग गया, चीखने लग गया, चलाने लग गया और फिर मुझे धमकियां देने लग गया कि चल अब तो मैं तेरे को जीरकपुर में ही उतारूंगा, उसके बाद देखियो वहां पर क्या होगा. मैंने कहा क्या होगा, आप धमकी किस बात की दे रहे हो. मैंने कहा आपको पता नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो, आप तमीज से बात करो और आप एक मैं मीडिया में काम करती हूँ और आप मुझसे ऐसे बात करो तो आप किसी भी लड़की से ऐसे बात कर सकते हो, आप कैसे ऐसे बात करो मुझे समझ में नहीं आ रहा. तो मैंने ऑफिस में फोन किया और जब मैंने ये पूरा वाक्य अपने एक सहयोगी को बताया तब उसको शायद ये एहसास हुआ कि मैं मीडिया में काम करती हूँ और फिर अपने आप उसने बस वहां पर रोक दी, बलदेवनगर के फ्लाईओवर के पास यहाँ पर रुकी और कहता है कि अब उतरना है तो यहाँ पर उतर जाओ वरना जीरकपुर लेके चलूंगा. तो मैंने बोला मुझे धमकी मत दो, आपको जीरकपुर में उतारना है तो आप जीरकपुर में जाके उतारिए और फिर मैं आपको बताऊंगा. ये हुआ हमारी महिला कर्मचारी के साथ जिसने वॉल्वो बस में ट्रैवल किया. और हम अक्सर ये सोचते हैं कि आम रोडवेज की बस की बजाय अगर वॉल्वो में अगर हम ट्रैवल करते हैं तो थोड़े ज्यादा सेफ हैं, सिक्योर हैं, तहजीब से लोग बात करेंगे, किराया भी ज्यादा है. लेकिन ये वॉल्वो बस के हालात हैं. फिर हम इस घोषणा पत्र की बातें करते हैं जिसमें ये कहा गया है कि हम सुरक्षा देंगे, कहाँ है वो वादे. बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं. अम्मू जी सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी. जो घटनाएं आप लोगों ने दिखाई निश्चित तौर पे बहुत शर्मनाक हैं और अच्छी घटनाएं होती तो इनकी आप नहीं दिखाती क्योंकि गलत घटनाएं बुरी घटनाएं हैं. और एक मीडिया की जो प्रतिमा दत्ता हैं बहुत अच्छी आपके एंकर भी हैं और यहाँ पर इतने सालों से इस न्यूज़ चैनल पे काम करी और दुनिया उनको देखती भी है. आज मीडिया कर्मी के साथ हो या छात्रा के साथ, जो बहन के साथ पहले भी जो हरकत हुई जो आपके चैनल ने दिखाई निश्चित तौर पे बड़ी शर्मनाक है. मुझे खुद इस बात का दुख है और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, मेरे को मैं जितना जल्दी हो सके कृष्ण पवार जो हमारे परिवहन मंत्री हैं मैं निश्चित तौर से व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिलकर कम से कम नहीं बात नहीं कृष्ण पवार जी को फोन लगाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की बात करूंगा. अम्मू जी मेरा सवाल बड़ा है यहाँ पर, बात एक महिला कर्मचारी की महिला मीडिया कर्मचारी की नहीं है, वो मैं हूँ या कोई और हो, बात ये है कि एक आम महिला कोई भी वो मैं भी एक आम हो सकती हूँ, मैं यहाँ पर बैठ के बोल रही हूँ मीडिया में हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए. बात उन हजारों लाखों हरियाणा की महिलाओं और लड़कियों की है, बेटियों की, जिनकी सुरक्षा की बातें सरकार या प्रशासन करता है. बड़ी बात ये है. और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे ये महिलाएं हो, बहनें हो या अन्य हो, या मैं कहता हूँ किसी भी प्रकार का कोई कर्मचारी हो, एम्प्लॉय हो सरकार का या प्राइवेट बसेस का भी हो, वॉल्वो का हो, रोडवेज का हो, कोई भी हो, उनको कोई अधिकार नहीं है कि प्रदेश की देश की बहन बेटी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार वो करें. वो अपनी बात रख सकते हैं परंतु वो भी व्यवहारिक तरीके से. अगर उनका व्यवहार दोषपूर्ण है तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है और होगी. मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हजारों लाखों कर्मचारी रोडवेज के अंदर हैं, वो आए दिन हड़ताल करते रहते हैं, हड़ताल करना उनका अधिकार है परंतु वो अपने व्यवहार को भी ठीक करें. अगर उनका इस प्रकार का व्यवहार रहा तो निश्चित तौर पे प्रदेश की बदनामी और सरकार की तो बदनामी होगी होगी. इस प्रकार का हक सरकार के किसी भी कर्मचारी को या प्रदेश के किसी भी प्राइवेट बस ऑपरेटर को या उनके कर्मचारियों को अधिकार नहीं है कि माताओं बहनों के साथ और यात्रियों के साथ
इस प्रकार का दुर्व्यवहार करें, निश्चित तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। आप कृष्ण पवार जी को लाइन पर ले रहे हैं, उनसे बात करिएगा। इस प्रकार की ना उन लोगों को परमिशन है कि वो किसी भी यात्री के साथ, किसी भी माता बहन के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करें। परमिशन नहीं है, लेकिन हो रहा है, नहीं होना चाहिए। एक्शन में इतनी देरी क्यों? आपने कहा उन्हें हड़ताल करने की इजाजत है। बात यहाँ हड़ताल की नहीं है। 200 करोड़ के बजट वाले इस विभाग में 25,000 कर्मचारियों की जहां तक मेरी नॉलेज है अभी भी जरूरत है। ये बड़ी बातें हैं। हम बेहतर व्यवस्था की बातें कर रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में बस सर्विस ही एक ऐसी एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग आते जाते हैं। दलबीर धनखड़ जी, नवजोत जी, माना कि कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया है, देखे भी है, मानना भी है, मानना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ये हमारे समाज का हिस्सा, उनकी बहन बेटियां भी हैं, हमारी बहन बेटियां भी हैं, कोई फर्क नहीं बहन बेटियों में, उनकी ऐसे हमारी है, उन्होंने गलत काम किया। पर भारतीय जनता पार्टी अपने मतलब घोषणा पत्र में जो किए वायदों से एक साल में कोई भी उसको टच नहीं कर पाए। परिवहन विभाग वाले 2-3 मोटे मोटे वायदे थे, मैं बताऊंगा उनको भी, परंतु भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कह रहा हूँ, अनुभवहीन है, अनुभवहीन रहेंगे बिल्कुल, ये कोई काम नहीं कर पाएंगे। बातें इनसे कितनी करा लो, चुनाव में घोषणाएं कितनी करा लो, उनसे काम नहीं चलेगा। प्रशासन पर पकड़ ढीली इनकी, प्रशासन पर पकड़ नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसका ही दुर्परिणाम है ये, नंबर एक। हाँ। नंबर दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे हरियाणा से शुरू हुई थी, हमने तारीफ की थी सरकार की, वैसे विपक्षी दल हमने तारीफ की थी, हमें एक सौभाग्य मिला हरियाणा वासियों को, आगे यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक आंदोलन बना। आप देख लो बसों में किसी भी विभाग में कर्मचारी कम है, 58 से 60 साल हुड्डा साहब ने की थी, कर्मचारी 2 साल बाद रिटायर होते, कर्मचारी घटते जा रहे हर महीने, कर्मचारी क्यों नहीं ये भर्ती कर रहे, क्या वजह है? नंबर एक। नंबर दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहना बहुत आसान है, मनोहर लाल खट्टर की अगर आप जनसभाएं देखो चुनाव के दौरान कही थी, हमारी अगर सरकारें आएंगी बहन बेटियां आधी रात को भी सोना पहन के निकलेंगी, कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई उनकी तरफ देख नहीं पाएगा, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। कब ये व्यवस्था करेंगे? इनसे कोई पूछने वाला हो, एक साल निकल गया व्यवस्था नहीं हो रही इनसे। नवजोत, चल मैं आ रही हूं, एक मिनट सुनीता। हां नवजोत, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्हें लोग के मित्र विषय को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं विषय को भटकने नहीं, मैं इन्हें लोग के मित्र, मैं वही कह रहा हूं आपसे, हम महिलाओं की और महिलाओं की सुरक्षा की है, मैं रोडवेज की बस के अंदर जिस प्रकार से जो दुर्व्यवहार हुआ है वो नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम इस विषय को उठा रहे हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात कर रहे हैं आप, विषय को ना भटकाएं, हम कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। आप कर्मचारियों की जो कमी, नवजोत आपने 25,000 कर्मचारियों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने भटका दिया मेरे को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही है, ये बात मैं भी कह रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं, पढ़ेंगे कैसे? मैं भी कह रहा हूं, अगर वो उस बस में जाएंगे उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, बिल्कुल निश्चित तौर पर सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुरक्षा का अधिकार, बेटी पढ़ाओ इन सरकार का अधिकार का है। तारीफ करता था उस मुद्दे की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से शुरू किया था, पर तो इस तरह का कोई वो नहीं है। तरुण, तरुण आप हैं मेरे साथ? हेलो, हाँ तरुण, मुझे एक बात बताइए, वो कौन सी जगह का नाम आप ले रहे हैं जहाँ का, जहाँ पर बस ड्राइवर ने कहा था कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, वो कौन सी जगह है? मैम वो रतिया के एरवा गांव है जी, वो एरवा गांव। मैम उसको एरवा गांव में उतरना था, एरवा गांव कॉलेज में, और उसको जो स्टॉप पर आता है अगला गांव आता है हमजापुर। हाँ। जो कि 3.5 किलोमीटर दूर है वहाँ से कॉलेज से। हाँ। उसका वहाँ पर उतारा गया था। नहीं नहीं, बस बस ड्राइवर जो बोल रहा था कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, वो कौन सी जगह है? वो एरवा मैम, एरवा गांव सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है, ये भी बड़ी बात है। और बस ड्राइवर अगर ये कह रहा है कि ये सुरक्षित नहीं है तो इसके क्या मायने हैं? मुझी इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। वहां का लोकल प्रशासन क्या कर रहा है? आप ही के घोषणा पत्र में लिखा है कि भीड़ वाले स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी और CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। नवजोत, आप इस विषय को भी ध्यान में रखिएगा, हरियाणा रोडवेज के जो बस स्टॉपेज हैं, पहली बात तो यात्री वहीं से लेने चाहिए और वहीं पर उतारने चाहिए, ये एक प्रक्रिया है। हाँ। परंतु अगर जहां पर इन बच्चियों के साथ जो बदतमीजी हुई है, जिस प्रकार से रोडवेज के कर्मचारियों ने बस ड्राइवर तो ने आप रुकिएगा रुकिएगा नहीं आप ये देखिएगा, बस के अंदर बदतमीजी हुई, क्या बहनों ने जिन लोगों के साथ बदतमीजी हुई, चाहे वो प्रतिमा थी चाहे वो और दूसरी बहन थी, उन्होंने लिखित में पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए थी, करी नहीं है तो उनको करनी चाहिए, आपके चैनल में इतनी बड़ी खबर चल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, होगी, मैं आपके चैनल पर वादा कर रहा हूं। उन्होंने अगर कार्रवाई की है, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की है तो मुझे बताएं,
और अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो निश्चित तौर पे अभी देखिएगा आपकी खबर का असर यहीं बैठे बैठे चैनल से होगा, परंतु कंप्लेंट करना भी अति आवश्यक है क्योंकि जब तक जिन बहनों के साथ सुबह से वो कंप्लेंट ही कर रहे हैं, अरे मैं सुबह से कंप्लेंट ही कर रहे हैं, आप ये मुद्दा हम उठा रहे हैं, आप आपने मुद्दा उठाया बहुत अच्छी बात है, अपने आप में कंप्लेंट है, जहाँ पे रिटर्न कंप्लेंट चाहिए मैं बोलती हूँ आपको, आपसे क्या आपको रिटर्न कंप्लेंट चाहिए, मेरी महिला कर्मचारी वहाँ रिटर्न कंप्लेंट देंगी देंगी बिल्कुल ठीक है, देनी चाहिए देनी चाहिए, आप एक्शन तो लीजिए निश्चित तौर पे, नवजोत आप कंप्लेंट दिलाइएगा, नवजोत आप कंप्लेंट दिलाइएगा, कार्रवाई करने का भरोसा मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से दे रहा हूँ। हाँ, एक मिनट निश्चित तौर पे के पास आऊंगे, एक मिनट प्रदीप नरूला के पास और फिर इनके पास। जी बताइए सुनीता जी। देखिए ऐसा है कि इतनी दुखद घटना है, ये आज नहीं हुई है, आप ये देखिए दो बहनें जो खरखोदा की बीच में बस के बीच में लड़ाई हुई, ड्राइवर कंडक्टर देखते रहे, तो ये बहुत विषय ऐसा विषय है सोचने का विषय है और बहुत प्रशासन के लिए भी शर्मसार है और ये परिवहन व्यवस्था के लिए भी शर्मसार है ये बात। और हमारी बेटियां अभी आप ये कह रहे थे कि अमू भाई कह रहे थे विषय से मत भटको, छात्रा के साथ हुआ है, एक तरफ तो हम कहते हैं कि बेटी बचाओ और पढ़ाओ, तो बेटी बचेगी नहीं तो वो पढ़ेगी कैसे, आप ये देखिए कि ये तो एक वो होनी चाहिए कि कहीं भी महिला है बेटी है या आम महिला, आप ये देखिए कि कर्मचारी अपनी टीवी एंकर उसने बोला सुरक्षा गार्ड सुरक्षा गार्ड, अब मैनिफेस्टो में लिखा सुरक्षा गार्ड। अच्छा एक सेकंड में मैं एक सेकंड और बोलना चाह रही हूँ कि ये घटना वहाँ वहाँ की नहीं है, ये घटना हमारे गुड़गांव में भी एक महिला ने मेरे को शिकायत की कि बच्चिया स्कूल से निकलती है तो बड़ी दिक्कत होती है, ऑटो में बैठती है तो परेशानी होती है, तो आपने देखिए आज बस में आपने दिखाया हमने आपको, मेरी टीम ने आज बस का सफर किया और कई महिलाओं से बात की और अमूमन सभी का यही कहना था कि जहाँ बस स्टॉप होता है वहाँ ये उतारते नहीं है, बार बार कहने के बावजूद नहीं रोकते हैं, और महिलाओं की जो सीट रिजर्व होती है सरकारें आती है बहुत बड़े बड़े वादे करती है, छात्राओं के लिए पास सुविधा फ्री पास सुविधा बनाई गई है, लेकिन कितनी बसें उन छात्राओं को लेने के लिए रुकती हैं ये ग्राउंड रियलिटी है। मुझे लगता है छात्रा मैंने तो कई बार बसों के पीछे छात्राओं को भागते हुए देखा है, लटकते हुए देखा है, क्या अगर बसों की कमी थी तो इस तरह के वादे क्यों किए जाते हैं, इस तरह से छात्राओं को फ्री पास बनाने का आप प्रलोभन क्यों देते हैं। ठीक है आप सुरक्षा व्यवस्था भी आज सवाल है सुरक्षा व्यवस्था का, बार बार ये कहा जा रहा है कि हर बस में गार्ड तैनात होगा लेकिन आज तक कहीं कोई गार्ड तैनात नहीं है। चलिए एक सेकंड नुरला जी आपको रोक रही हूँ, मेरे साथ कृष्ण पवार जुड़ गए हैं, राज्य परिवहन मंत्री हैं, उनसे बात करेंगे। कृष्ण पवार जी नमस्कार। नमस्कार, पहली बात तो मैडम राज्य परिवहन मंत्री नहीं, मैं कैबिनेट मंत्री, माफी चाहूंगी। कृष्ण पवार जी आज जो इंसिडेंट बस में हुआ, दो अलग अलग घटनाएं हैं जिनके बारे में आपसे मैं चर्चा करनी चाहूंगी। नंबर वन, जहां पर एक छात्रा रोती रही और बस कंडक्टर और ड्राइवर ने उसकी नहीं सुनी कि उसे उतारा जाए, वो रो रो के चिल्ला रही है, सुबह से ये खबर चल रही है, आपकी नॉलेज में भी है। दूसरी सेम तरीके की घटना वॉल्वो की बस में हुई, हमारी ही महिला कर्मचारी जो दिल्ली से सफर कर रही थी कश्मीरी गेट से टू अंबाला, उसके साथ हुआ और वॉल्वो के ड्राइवर और कंडक्टर ने बोला कि अंबाला जहां उसको कहा था उतारने के लिए वहां नहीं उतारेंगे, अगर ज्यादा बोलेगी तो हम तुझे जीरकपुर ले चलेंगे, ये रवैया था उन लोगों का। ऐसे मैडम मेरे पास संज्ञान में जैसे वो फतेहाबाद का मामला आया जी, मुझे लाइन पे लिया, मैंने एकदम से आपके जो ऑडिटर थे उन्होंने जो लाइन पे लिया, मैंने एक ही बात कही थी, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ हमारा मिशन है और हर महिला की सुरक्षा की जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की है। हाँ। यदि किसी ड्राइवर कंडक्टर ने ऐसा उस लड़की के साथ मिसबिहेव किया है, मुझे आप उस गाड़ी का नंबर कौन से डिपो की है आप नंबर बताइए, मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। मैं आपको तो नंबर बता रही हूं जी अभी। हाँ। आपसे पहले मैंने आप लोगों ने तो मुझे कुछ दिया नहीं। हाँ। लेकिन मैंने अपने लेवल से पूरी जानकारी लेकर के जो ड्राइवर कंडक्टर है उनको चार्जशीट कर दिया। ड्राइवर कंडक्टर को आपने चार्जशीट कर दिया फतेहाबाद वाले केस में? हाँ, मैंने आदेश दे दिए जीएम को, मैं इनको तुरंत इनको चार्जशीट दीजिए
और अपने जवाब में बताएंगे कि मामला क्या है। तो मैंने तुरंत जीएम को आदेश दिए थे, जीएम का जीएम ने मुझे बताया, उनका नाम भी है हरपाल सिंह है, दूसरे का नाम जो भी है कृष्ण पवार जी, कृष्ण पवार जी माफी चाहूंगी, जो वॉल्वो का नंबर है HR 11। एक मिनट, मैंने जो मैंने पहले बात मेरी पूरी हो करी थी जी, जो लड़की वाला मामला था हाँ, उसमें मैंने कार्रवाई की है जी, और थोड़ा भी इंक्वायरी जो फैक्ट्स आ जाएंगे क्या है हाँ, लेकिन मैंने तुरंत अपने जीएम को आदेश दिए है कि उनको तुरंत उनको चार्जशीट करके उनसे जवाब तलब की जाए जी जी। और दूसरी बस का नंबर है वॉल्वो बस का नंबर HR 55Q1505। हाँ जी 505 जी हाँ 1505 वॉल्वो बस है ये, कश्मीरी गेट से वो लड़की गई थी। कौन से डिपो की है? तो नंबर से कंफर्म हो जाएगा। गुड़गांव डिपो की, गुड़गांव हाँ जी। ये कश्मीरी गेट से अंबाला के लिए उसने सफर किया था। प्रतिमा आप हो मेरे साथ? जी प्रतिमा बताइए, उस ड्राइवर का नाम आपको याद है? नहीं ड्राइवर का नाम मुझे नहीं पता, मैंने ड्राइवर से पूछा भी तो उसने मुझे अपना नाम बताया नहीं, और वो बहुत बदतमीजी से बात लगातार कर रहा था। बस में जो दूसरे लोग सवार थे उनको भी वो गालियां दे रहा था और बोल रहा था कि तू ज्यादा बकवास करेगा तो तुझे मैं बता दूंगा तुझे, वो उसको मारने के लिए वो आगे भी बढ़ रहा था, फिर पीछे हो गया बस का कंडक्टर, बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। और जब मैं बस पे जब मैं उतरी उसके बाद मैं बस के बाहर गई और मैंने बस की फोटो जब मैं खींच रही थी तो उसके बाद वो मुझे भी बहुत घूर घूर के देख रहा था, तो मैंने बोला कि तो मैंने उसको इशारा किया कि चुप करके बैठ जाओ, मैंने उसकी फोटो खींची नंबर की और पूरे बस की आगे से, और उसके बाद वो बस लेकर भाग गया वहां से। और उसने आपको ये बोला था कि मैं यहाँ नहीं उतारूंगा आपको, मैं जीरकपुर ले चलूं। उसने मुझे बोला था ज्यादा बोलेगी तो देखो जीरकपुर में ही उतारूंगा, फिर वहां पे जाके जो करना होगा तू देख लियो, जो तू कर लियो। रुक जाइए कृष्ण पवार जी, आपने सुना? हाँ तो क्या बोला उन्होंने? इन्होंने ये बोला, वही मैं आपको सुना रही हूँ, कि उसने कहा था कि मैं अंबाला में उतरना था, वो कह रहा था कि उस स्टॉप पे मैं तुझे नहीं उतारूंगा, ज्यादा बोलेगी तो जीरकपुर लेकर जाऊंगा। सवारियों के साथ भी जब उन्होंने सवारियों ने उसमें इंटरवीन किया कि एक लड़की के साथ तुम बदतमीजी से बात कर रहे हो, तो उसने कहा कि आप लोग चुप रहिए, उनसे भी उसने बदतमीजी से बात की। ये इस बस नंबर का जो ड्राइवर और कंडक्टर था ये उनका मिजाज है जो आपको बता रही हूँ। और रात का समय था, रात 10 बजे का। रात 10 बजे? जी हाँ रात 10 बजे। ऐसे मैडम जैसे मैंने दिन की वाकई जो मेरे नोटिस में आया हाँ, तो मैंने तुरंत उसमें कार्रवाई की हाँ, तो इस मामले में आपको मैं एश्योरेंस देता हूँ हाँ, महिलाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है हाँ, तो हम मैं इसके मामले में कल ही चंडीगढ़ सुबह जा रहा हूँ जी, और जाते ही इसमें इसके इसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपने कृष्ण पवार जी जैसे आपने खुद कहा कि हमारा पहला मकसद है कि बेटियां पढ़ें और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़ा अभियान है हरियाणा सरकार का, जिस तरह से एक छात्रा के साथ हुआ, बसों में लड़कियां रोज ट्रैवल करती हैं, अगर वो वहां सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तो कहां? इसके लिए मैडम जी बिल्कुल मैं अभी आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, हमारी जो लड़कियां हैं उनको कॉलेज तक स्कूल तक पहुंचाना है सरकार की जिम्मेवारी है हाँ। और भविष्य में कोई ऐसे मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा कोई योजना बना करके हमारी जो लड़कियां हैं वो तो सुरक्षित कॉलेज या स्कूल जाए आए, ऐसी योजना बनाने के लिए भी हम मुख्यमंत्री से जाके बात करेंगे। लेकिन आपके घोषणा पत्र में था कि सुरक्षा गार्ड प्रदान किए जाएंगे, उनका क्या हुआ जी? नहीं आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि क्योंकि फोर्स के बसों के अंदर चले, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, इस प्रकार की ऐसी कोई स्थिति नहीं है। नहीं 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 तो जब एक मिनट कृष्ण पवार जी माफ कीजिएगा, तो जब ये घोषणा पत्र बना था तब ऐसी सिचुएशन थी कि वहाँ पर मतलब फोर्स चले? नहीं 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 ऐसे इस प्रकार के घोषणा पत्र के अंदर जो आप मेंशन कर रहे हैं, आज हमारी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी है कि जो भी इस प्रकार का कोई भी कर्मचारी अधिकारी हमारी महिलाओं साथ पर या आम आदमी साथ इस प्रकार मिसबिहेव करेगा तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। नहीं लेकिन लेकिन ये बड़ा सवाल है कि सुरक्षा गार्ड प्रदान किए जाएंगे, ये आपने घोषणा पत्र में इनकॉर्पोरेट किया, ये वायदा किया हाँ।
जब हम पूर्ण रूप से पूरे हर यात्री की और महिलाएं की जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की है, तो गार्डों की बात तो कोई गार्ड नहीं पड़ा, गाड़ी इतना गाड़ी तो ड्राइवर ने चलानी है, कंडक्टर उसका कंडक्टर है, गाड़ी ड्राइवर ने चलानी है, कंडक्टर ने चलानी है। कृष्ण पवार जी, जब वही बदतमीजी करेंगे तो सुरक्षा गार्ड इसीलिए तो कहे गए हैं। नहीं नहीं, उसमें सुरक्षा गार्ड क्या करेगा, कार्रवाई करेगी सरकार, करेगी हम करेंगे, अधिकारी करेंगे, मैं करूंगा। और मैं आपके बात पे आज आपने मेरे संज्ञान में लाया, आज ही मैंने कार्रवाई की है और आपको फर्दर एश्योरेंस दे रहा हूँ कि कल जाकर तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। आपकी बात मैंने मान ली कि आपने तुरंत उनको चार्जशीट किया और आप एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप इस पर भी कार्रवाई होगी, मैं कार्रवाई करूंगा। हाँ, तो इससे फास्टली कार्रवाई क्या होगी, वो बात सही है, लेकिन हाँ पूछिए प्रदीप पवार साहब। नमस्कार, दलवीर धनखड़ भाई, भाई साहब मैं सर नमस्कार, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पिछली मीटिंग में मेरी आपकी चेक चैनल के माध्यम से बात हुई थी, मैंने ये मुद्दा उठाया था, आप जब मंत्री बने बने थे भाई, आपने छात्राओं के लिए फ्री पास और छात्राओं के लिए जिस बस में जाएंगी गार्ड भी हम देंगे, आपके घोषणा पत्र में ये आपने कही थी, मैं घोषणा पत्र देखूंगा, अगर ऐसा होगा तो हम कोशिश करके सीएम साहब से बात करेंगे। क्या आपकी सीएम साहब से इस बारे में बात हो गई? और गार्ड की जो देखिए, कंडक्टर और ड्राइवर गार्ड का काम नहीं कर सकते हैं, घोषणा पत्र की मैं तो घोषणा पत्र की आपकी बात कर रहा हूँ सर, उसके बारे में जरा लोगों को बताओ थोड़ा सा। दलवीर सिंह जी, जी सर, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं। जी सर, जी सर, अच्छी तरह आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल, तो आप मेरी कार्य शैली के बारे में, मैं बिल्कुल आपका फैन हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैं घोषणा पत्र के बारे में पूछ रहा हूँ, आपकी सीएम साहब से बात हुई कि नहीं हुई? ऐसे में इस विषय मेरी गार्ड के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई, मैं आपको फ्रेंकली कहना चाहता हूँ, मैं यही पूछना चाह रहा था सर। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे रहनुमाई में कोई भी कर्मचारी अधिकारी का ड्राइवर है, कंडक्टर है, कोई भी है, इस प्रकार की बदतमीजी करेगा जो कार्रवाई की वो काबिले तारीफ है। अगर जो कार्रवाई आज आपने की, मैं काबिले तारीफ मानूंगा इसको, आज ही एक्शन लिया आपने। जबकि दलवीर सिंह भाई साहब, दलवीर सिंह जी, जबकि मैंने प्रेस रिपोर्टर का मेरे पास फोन आता है, मैंने कहा कि आप मुझे ड्राइवर गाड़ी का डिपू बता दो, गाड़ी नंबर, बोली हम कोशिश करेंगे, लेकिन उनका मेरे पास मैसेज नहीं आया। मैंने खुद अपने सर, हमारे विधायक है फतियाबाद से, हमारे विधायक है दौलतपुरिया, उन्होंने तो आज प्रशासन में जाके शिकायत भी की आज दिन में। देखिए बड़ा मसला है, मैं एक बार इनके पास जाना चाहूंगी, लेकिन ये बड़ी बात हुई है। चलिए हमारे साथ कृष्ण पवार मंत्री जुड़े, उन्होंने कहा कि उस फतेहाबाद वाले केस में ड्राइवर और कंडक्टर को चार्जशीट कर दिया गया है, अश्योरेंस भी उन्होंने दिया कि वॉल्वो का जो गाड़ी का नंबर हमने दिया उस पर जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो, इसकी अश्योरेंस क्या है? घोषणा पत्र में सुरक्षा गार्ड प्रदान किए जाएंगे, ये इसीलिए कहा गया था कि इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन पवार साहब का ये कहना कि तब लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जो लॉ, मैं आपके पास आती हूँ, रुक जाइए, आप मुझे रुक जाइए, मैं आ रही हूँ आपके पास, वेट अ सेकेंड, बात बड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर अब ऐसा मेंटेन है तो सुरक्षा गार्ड की जरूरत नहीं। जब घोषणा पत्र बना था तो क्या लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर था? तभी ये कहा गया था कि सुरक्षा गार्ड दिए जाएंगे। मैं आपके पास आऊंगी, जवाब लूंगी, लेकिन यहाँ पर इनको टच करना बहुत जरूरी है, अभी तक इनको मौका नहीं दिया हमने बात करने का। सुरेश यादव जी, आप रोडवेज कर्मचारी संघ से हैं, जो घटनाएं आप देख रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो नवजीत जी, जो वॉल्वो के अंदर घटना घटी है, इसमें मैं क्लियर कर देता हूं, पूरे हरियाणा की जनता देख रही है कि बलदेव नगर और अंबाला के बीच में जहां एक जगह उतारना चाहिए था, फैक्ट है ये बिल्कुल। हाँ जी, लेकिन ड्राइवर कई जगह मरता है, यदि इसको अकेले में ये कहते कि यहाँ इस पुल पर उतार दे, वहां कोई अप्रिय घटना घट जाती तो हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर बदनाम होना था। हाँ। लेकिन वहां इस किस्म की बातें नहीं है, चाहे उसको बलदेव नगर उतारता, हाँ। चाहे पिछले स्टैंड पे उतारता, कहीं एक जगह उतारता जी, और हाँ। वो जहाँ कहता वहां उतारता, हाँ। वहां तक तो ठीक था, हाँ। लेकिन इसने नहीं उतारा है, वो इसकी गलती है। ये कहना कि जीरकपुर लेकर जाऊं, देखिए इस तरह की बातें करना, और वो भी टाइम देखना था कि टाइम के मुताबिक। देखिए मैं आपको अनिता जी पहले ही कह दिया, यदि वो किसी, क्यों हमारी वॉल्वो पुल के ऊपर से जाती है, नीचे नहीं जाती, चाहे पानीपत हो, चाहे सोनीपत हो, कहीं भी हो, पुल के ऊपर से जाती है। वो एक लेडीज है और उस लेडीज को पुल के ऊपर कहीं उतार देता और कोई अप्रिय घटना घट जाती तो कल ही खबर आ जाती है हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर के खिलाफ
लापरवाही से ऐसा कुछ हुआ, बातें सारी सोचने पड़ते हैं। पब्लिक की सेवा के लिए करेंगे, करते रहेंगे और करते हैं, लेकिन 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 बोलेगी तो तुझे जीरकपुर ले चलेंगे। नहीं नहीं, हाँ ये गलती है, हम उसको मानते हैं, ये गलती है। और जहाँ जहाँ उसने अगर आप पोलाइटली एक लड़की को ये बोल दीजिए कि भाई यहाँ नहीं वहाँ उतारेंगे, तो कोई इतना बेवकूफ नहीं होता। नवजोत जी, नवजोत जी, मैंने प्रतिमा जी की बात सुनी है, ऐसा मैंने प्रतिमा जी की बात सुनी है, वो झूठ नहीं बोल रही है, वो उन्होंने ऐसा किया है, वो गलत किया है, उनके साथ होगी। फतेहाबाद वाले की मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो लड़की वो कह रही है, देखिए कई बातें हैं। एक गाड़ी दिल्ली से चल के सरसा जाती है तो पहला स्टैंड होता है नांगलोई, दूसरा बादरगढ़, तीसरा सांपला, फिर रोहतक, फिर मैम, इस प्रकार बसों के स्टॉपेज होते हैं। और यदि इन बिटवीन कोई बीच में कह दे मुझे सांगी तार दे, फलाना तार दे, तो उसके पास न कंडक्टर के पास पंच होता, वो मजबूरी होती। प्लस दूसरी बात, एक बस के अंदर 55 और 60 सवारी होती हैं, यदि उसने चार जगह बगैर स्टैंड के ब्रेक ले लिया तो 55 सवारी ड्राइवर और कंडक्टर सर फोड़ने के लिए तैयार होती है कि ये क्या रड़ा बना रहा है। सब कुछ आपने कह दिया, बिल्कुल ठीक है, यहाँ लड़की रो रो के चिल्ला के कह रही है, सारी सवारियां उसको कह रही है कि भाई यहाँ उतार दे, कोई उसका सर फोड़ रहा है और वो उसको उतार नहीं रहा है। उसी बात बजा रहा हूँ, क्या लॉजिक जी, मैं उसी बात बजा रहा हूँ। हो सकता है ये कंडक्टर मुझे वो काम नहीं देखोड़ा, मैं उसे नहीं को भी नहीं जानता। जी ड्राइवर ने ये कहा है कि ये खतरनाक एरिया, वो तो है गलत बात, कोई पाकिस्तान नहीं है वो। रही दूसरी बात है कि उस बस का स्टॉपेज था या ना था, नहीं नहीं, और अभी तो मंत्री जी ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, सुरक्षा गार्डों की जरूरत ही नहीं, तो फिर खतरनाक कहां से हुआ? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि खतरनाक है या खतरनाक नहीं है, महिलाएं सुरक्षित है या फिर नहीं सुरक्षित है। आपको क्विकली कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अम्मू जी के पास जाऊंगी जल्दी से। आपने सुना कृष्ण पवार जी ने क्या कहा? बिल्कुल ठीक है, मैं शायद कृष्ण पवार जी लाइन पे नहीं है, मैं एक बात बता दूं कि पहले ऐसा होता रहा है कि जो जो भी लॉन्ग रूट की वॉल्वो बसें हैं उनमें दो पुलिस कांस्टेबल, ये बताएंगे सुरेश यादव जी, कि दो पुलिस कांस्टेबल तैयार होते थे जहां से वो बस चलती थी आगे, जहां तक जाती थी, फिर वहां नाइट के लिए होते थे, और ये रात्रि सेवा थी जो वॉल्वो बस की, उसमें सुरक्षा गार्ड नहीं है। ये तो बहुत हैरानी की बात है कि रात की एक बस है उसमें पुलिसमैन नहीं है, जबकि पहले ये प्रैक्टिस है। 10:50 चलेगी और सवेरे 4:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी, उसमें गार्ड हुआ करता था। आप मानते ना इस बात को, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि वो गार्ड जाने बंद हो गए, वो पुलिसमैन जाने बंद हो गए? नंबर दो, सुरेश यादव जी ने बहुत बातें कही, उन्होंने कहा कि ड्राइवर की मजबूरी है, ड्राइवर की मजबूरी है। इतिहास गवा रहा है हरियाणा में, ड्राइवर कंडक्टर का बिहेव छात्रा ही नहीं, महिला ही नहीं, आदमियों के साथ भी गलत होता है। कई बार इस पे बहस चली है, कई बार इस पे डिस्कशन हुआ है, कहा गया है कि ये कम पढ़े लिखे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, इस तरह का व्यवहार ये पहली बार नहीं है, अक्सर होता रहा है। कई बार लोगों ने, सरकारों ने इस पे चर्चा की है कि हम इन्हें ट्रेंड करेंगे, हम इन्हें अलग तरह की ट्रेनिंग देंगे, सिर्फ बातें होती हैं और कुछ नहीं होता, सिर्फ खेद प्रकट कर दिया जाता है, चार्जशीट कर दी जाती है, चार्जशीट में उससे जवाब मांगा गया है, कल वो जवाब दे देगा, प्रशासन यही विभाग उनके नहीं मतलब ही नहीं, उनकी उनके कारण बताओ नोटिस में, उनके जवाब से सेटिस्फाई हो जाएंगे, बिल्कुल हमारे डिपार्टमेंट की सख्त कार्रवाई होती है, पेंडिंग इंक्वायरी बाहर नहीं होता, सेटिस्फाई हो जाएंगे उसके जवाब से, वो कह रहे सख्त कार्रवाई होती है, बिल्कुल जी सर, ये बात मान लो आप, ऐसे केस के दौरान हम पब्लिक की सेवा के लिए हैं। अच्छा जी, पब्लिक की सेवा के लिए वो मुझे सेवा दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ एक्शन एक्शन बहुत अच्छी सेवा है, नवजीत जी हम उसके साथ हम कर रहे हैं, नवजीत जी हम कर रहे हैं, हम नवजीत जी कर रहे हैं, ये सेवा है। एक लड़की रोती चिल्लाती बोलती रही रोक दो, उसके आंसू, उसकी बेबसी दिखाई नहीं दी उस ड्राइवर को, उस ड्राइवर को क्या दिखाई दे रहा था? नवजीत जी, नवजोत जी, वो उसकी बातें नहीं सुन रहा था। नवजोत जी, 28/8 की घटना है, यही की पटौदी से एक बस जाती है लड़कियों को बैठा के 1:40 में, और सुबह सारा स्टाफ और लड़कियों का लेके आती है गवर्नमेंट कॉलेज से। मैं आपको 28/8 की घटना बताऊं, एक लड़की ने इतना हल्ला मचाया कि लगभग 40 बेटियां सवार थी उस बस के अंदर, लेकिन उसने टिकट नहीं कटा, इतना हल्ला मचाया कि फोन करके पता नहीं किस चीज को बुला लिया और उस कंडक्टर को यही मार कूट के गिरा। वहां की नहीं बताते, हम मानते हैं कि गलती इसकी, यदि स्टैंड था और इस लड़के को नहीं उतारा, चाहे वो कोई भी थी,
और हम ये वादे से कहते हैं सख्त एक्शन लेंगे। सुरेश यादव जी कह रहे हैं कि कई बार मजबूरी होती है कि अगर वो इतने स्टॉप करे, लेकिन कहीं बार इंसानियत और सेंसिटिविटी की विवाद होती है, मजबूरी हो जाती है। और वहाँ पे बस स्टॉप है सभी लोग, और लोग सभी लोग आग्रह कर रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं लड़का आपके सामने जुड़ा हुआ वो लड़का तरुण, वो भी कह रहा है कि वहाँ स्टॉप है, लेकिन वो ड्राइवर कह रहा है कि ये सेंसिटिव एरिया। नवजोत जी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, सुरेश जी, सुरेश जी एक सीधा सा सवाल आपसे पूछूंगा, छोटा सा सवाल, क्या बिहेवियर की कमी नहीं है हरियाणा रोडवेज के बस और ड्राइवर में? देखो 100 में से 10% के हम भी नहीं कह सकते बड़ा परिवार है, लेकिन नहीं होना चाहिए, हम ये मानते हैं। हाँ जी, हम ये मानते हैं। एक चीज और बताइए, क्या आज तक कोई ट्रेनिंग हुई है आप लोगों की, हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की कभी कोई ट्रेनिंग हुई है? जो भी ड्राइवर आता है वॉल्वो के लिए बजाएगा तो उसकी पहले ट्रेनिंग होके आएगी। किस चीज की, किस तरह की ट्रेनिंग? बस चलाने की, बस चलने की और व्यवहार की। अगर आपने बड़ा है तो ताव करना है, बराबर का तो जो नहीं, इस प्रकार बिल्कुल देख रहे थे, बिल्कुल व्यवहार हम देख रहे, बिल्कुल बिल्कुल व्यवहार देख रहे थे कि वो कह रहा है कि बोलेगी तो यहाँ नहीं, तुझे जीरा जरूर मारूंगा। अच्छा जो की जो स्पोर्ट में आए, एंकर की जो स्पोर्ट में आए उनको भी बोला, अब मुझे बड़ी बात भी देख लेंगे। आप कुछ कह रहे थे, मेरा मानना ये है कि ये घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है, हालांकि परिवहन मंत्री ने कहा है कि हम तुरंत एक्शन लेंगे, लेकिन सरकार को और प्रशासन को मिलकर ऐसी कोई पॉलिसी बनानी होगी, बिल्कुल ऐसा कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जिससे ये छात्राएं सेफली अपने मुकाम पर पहुंच सके। वो महिला हो, छात्रा हो, लड़की हो, कोई भी हो। मुझे आप कुछ कह रहे हैं नवजोत, मैंने आपसे कहा था खबर का असर, आपने अभी माने परिवहन मंत्री को लाइन पर लिया और आपकी बात के तुरंत बाद ही उन्होंने जैसे जैसे आज आपकी खबर चली, उन्होंने उस कंडक्टर ड्राइवर को चार्जशीट किया। हाँ। और इस विषय में भी वॉल्वो के विषय में जो प्रतिमा के साथ दुर्व्यवहार हुआ, हाँ। उसके लिए भी उन्होंने कहा चंडीगढ़ जाके कार्रवाई करेंगे। हाँ। तो ये तो आपकी खबर का असर था। एक बात, आज अभी हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी बात को जो कहा है कि निश्चित तौर पर कई जगह उनकी गलती है, परंतु मैं प्रदीप नरूला जी की बात का मैं जवाब देना चाहूँगा। प्रदीप जी कहते हैं चार सीट हो जाती है, एक्शन हो जाता है, रिपोर्ट आ जाती है और कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रदीप नरूला जी, मुझे इस चीज का, मैं आपकी बात को इसलिए विरोध करता हूं कि ऐसा नहीं होता। सरकार को एक्शन लेगी और उसका असर नहीं होगा, ऐसे कैसे, कोई गुंडागर्दी है क्या? सरकार का आदेश उस कर्मचारी को मानना होगा, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। परंतु हर बात का विरोध करना है कि कुछ भी हो जाएगा, वैसे सिस्टम में बदलाव आ रहा है, आएगा, परंतु समय लगता है। एक बात जो सुरक्षा वाली बात आप कह रहे थे, मैं आपसे कह दूं, क्योंकि ये तो एक घटना हुई, अभी 16,000 पुलिस कर्मियों की कमी हरियाणा के अंदर वर्तमान में है और 7200 पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए हम लोगों ने 7 सितंबर से ये प्रक्रिया चालू है। मैं समझता हूँ महिला पुलिसकर्मियों की भी हम लोगों ने आवेदन मांगे हैं, ये प्रक्रिया इसलिए लागू की गई है कि जल्द से जल्द जितनी जल्दी पुलिस भर्तियां हो जाएंगी तो जो हमने चुनाव घोषणा पत्र में अपना वादा किया है उसको भी हम तुरंत पूरा करें। लेकिन आपके मंत्री जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, सुरक्षा गार्ड की जरूरत ही नहीं है। जब नवजोत बहस का विषय आपने मंत्री जी को लिया, मंत्री जी ने बड़े सीधे तरीके से आपकी एक बात, कौन सा गलत तरीके से पूछा? और सुनिएगा ना बाबा, आपने जो बात की मंत्री जी ने उनका बड़े नर्म तरीके से बड़ी सारी बातों का सुलझेड़ा कर दिया, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हमने घोषणा पत्र में वादा किया है, जो हमने वादा किया है हम उसको घोषणा पत्र के तहत ही पूरा करेंगे और अक्षर से पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने घोषणा पत्र में लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। निश्चित तौर पे पुलिस कर्मियों की भर्ती के बाद जो हमने घोषणा पत्र में कर रही हूं, लेकिन मुझे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एक बात, क्योंकि मंत्री जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, सुरक्षा गार्ड की जरूरत नहीं है। एक बात कहना चाहूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर स्वयं चंडीगढ़ से चलते हैं और हरियाणा रोडवेज की बस में यात्रा करके स्वयं करनाल तक आते हैं, और वो ऐसे पहली बार ऐसे नहीं हो रहा। उनका जब रेल में चलने का मन होता है, बस में चलने का, जो औचक निरीक्षण वाली बात है, वो प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री है जो रोडवेज के डिपो में भी जाता है, रोडवेज की बस के अंदर बैठता है और वहां पर जाकर स्वयं उनके सीटें देखता है। होता है तो बड़े दुख की बात है, ये तो बड़ा सवाल है, उसके बावजूद अगर ऐसा होता है तो बड़े दुख की बात है। ऐसा है कि जो जिन लोगों ने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलेगी, ये मंत्री क्या हम एक इस बात पर आ जाएं कि व्यवहार, बिहेवियर,
चेंजेस हैं उसके लिए कोई इस तरह की ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जो आज तक नहीं हुए। नवजोत बहुत अच्छा सुझाव है, काउंसलिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग 63% एनसीआर हरियाणा का हम हिस्सा बन चुके हैं और हमारे ड्राइवर कंडक्टरों का अगर व्यवहार अभी भी हमारा पुराना रहेगा तो अपने को कहीं ना कहीं काउंसलिंग की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर अच्छा सुझाव है और मैं भी इस बात को मानता हूं और इस बात को रखने वाले हैं कि उन लोगों की, और ये कर्मचारी संघ के नेता बैठे हैं, इन लोगों को भी अपने मित्रों को, अपने साथी कर्मचारियों को कहना चाहिए कि अपने व्यवहार के अंदर मधुर चाहिए, होना चाहिए, इससे आगे बढ़कर हमें करना। अरे आप फांसी नहीं लगा सकते किसी को, बाबा आप सुझाव दे सकते हो, व्यवहार को तो सेम नवजोत कर्मचारी व्यवहार को सेम बदलेगा। जो कर्मचारी है उनके घर में भी माताएं बहने हैं, जो कर्मचारी हैं उनके घर में भी माता बहन है, तो जो ऐसा नहीं है उनके घर में भी माताएं बहने होती है, साइकोलॉजी बदलने की जरूरत होती है, तो क्या उन्हें पढ़ाना बंद कर दें? अगर आप उनको ट्रेनिंग कैंप्स देना बंद कर दें, बिल्कुल मैं कह रहा हूं काउंसलिंग आवश्यक है, काउंसलिंग सेशंस हो, ऑर्गेनाइज कौन करेगा, ये तो सरकार की तरफ से होना चाहिए। हुआ होता कब है? मेरे साथ पूर्व परिवहन मंत्री आफताब अहमद जुड़ गए, एक बार उनसे बात करेंगे। आफताब अहमद जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। आफताब अहमद जी, रोडवेज में आज दो अलग अलग घटनाएं सामने आई जहां पर एक महिला छात्र के साथ बदतमीजी हुई, वो रोती रही चिल्लाती रही और बस कंडक्टर और ड्राइवर ने बस नहीं रोकी उसे उतारने के लिए। दूसरी घटना वॉल्वो बस में हुई हमारी महिला कर्मचारी के साथ, वो कश्मीरी गेट से अंबाला ट्रेवल करती है और वहां पर उसके साथ बदतमीजी होती है उतारने के लिए और फिर धमकाया जाता है कि ज्यादा बोलेगी तो यहाँ नहीं तुझे जीरकपुर उतारूंगा। इस तरह के इंसिडेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस विभाग को हेड करते रहे आप? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी महिला छात्रा के साथ, महिला या छात्रा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार जो है सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे रहते हुए करें, ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए ऐसे कर्मचारी। लेकिन जो सिक्योरिटी की बातें हम रोडवेज में करते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करते हैं, क्योंकि पब्लिक सर्विस है, पब्लिक के लिए है, लेकिन अगर पब्लिक ही वहां सिक्योर नहीं है तो फिर सवाल खड़े होते हैं। तो क्या कभी जो ट्रेनिंग कैंप्स की यहाँ पर बात अभी चल रही थी, आज तक आपके वक्त भी कोई ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज नहीं किए गए कि इनके बिहेवियरल चेंजेस के लिए इनको कुछ समझाया जाए? मैं ये कहूंगा कि सरकारी बस सेवा में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है महिलाओं का, छात्राओं का और जो हमारी बहनें हैं उनका सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस अगर किसी चीज में ट्रेवलिंग में आता है तो वो परिवहन की सेवाएं जो सरकार चला रही है उसमें आता है। और इस तरह की जब घटनाएं होती है उसमें निश्चित तौर पर महकमे को भी और हमें सरकार को भी और अब एक समाज के तौर पर भी हमें शर्मसार होना पड़ता है। किसी तरह की ऐसी जो घटनाएं हैं वो पहले अगर होती रही है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई रही है और उनका व्यवहार अगर ड्यूटी के बाद भी अगर किसी तरह का रहा है तो हमारे समय में हमने उनके खिलाफ भी हमेशा कार्रवाई करी है। और इस तरीके के ट्रेनिंग कैंप जो है वो पहले से ही हर एक जीएम्स को जो है ये निर्देश दिया गया है कि व्यवहार के प्रति जो है इनको हमेशा इनको जागरूक किया जाए और किसी तरीके की इसको जुम्मेवारी आफताब अहमद जी, चर्चाएं हुई हैं, कोई ट्रेनिंग कैंप्स लगे हैं ऑन द रिकॉर्ड? मेरे साथ तो यहाँ पर सुरेश यादव बैठे हैं रोडवेज कर्मचारी संघ के, वो कह रहे हैं कि आज तक कोई ट्रेनिंग कैंप्स नहीं ऑर्गेनाइज हुए। ये तो जो है मैं इस बात का फिलहाल तो रिकॉर्ड पे नहीं कह सकता कि कब हुए, आप कैसे नहीं कह सकते, आप मंत्री रहे हैं, ट्रांसपोर्ट महकमा आपके पास रहा, अगर आप नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा? आफताब जी, आज की जो सरकार की जिम्मेवारी है आज वो देख चेक करके देखें, हम तो रह लिए अपना काम कर लिए और ऐसे ही अगर कभी घटनाएं हमारे नजर में आई क्या थी, बात है? आई थी, आप तो कहते हैं हम तो रह लिए तो हमें कोई चिंता नहीं, अब विपक्ष में भी है आप, आपकी भी उतनी चिंता है? मैडम मतलब पहले सबसे पहले आप सवाल का जो है सवाल को सवाल के हिसाब से पूछिए। हाँ। आप ऐसे किसी चीज को ऐसे, लेकिन आफताब अहमद जी ये बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है, सेंसिटिव है, आपने कहा कि हम रह लिए, अब मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए कहिए भाई। अम्मू सूरज पाल, हाँ कहिए, सुन रहे हैं आफताब भाई, सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुन रहे हैं आफताब जी। जी मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, 10 साल आपकी सरकार रही हरियाणा के अंदर, 10 साल के अंदर कुल इस प्रकार की कितनी घटनाएं आपके सरकार में हुई और कितने लोगों पर आप लोगों ने कार्रवाई की, एक क्वेश्चन है, आप क्या जवाब दे सकते हैं क्या मुझे? मैं दे सकता हूं कि ये तो व्यवहार की तो बात है, उसकी तो अलग है, अगर ड्यूटी के ऑफ भी अगर कभी हुई है तो महकमे में उस वक्त सबसे ज्यादा सख्त कार्रवाई करी गई। ठीक।
साथ रिकॉर्ड पे कह सकता हूँ कि जो ऐसे घटनाएं कभी भी हुई है तो उसने सख्त कार्रवाई ली है। ऑफ ड्यूटी पे भी अगर किसी व्यवहार कर्मचारी का ऐसा व्यवहार रहा है तो उसमें भी सख्त। आफ्ताब जी नमस्कार, मैं दलवी धनखड़ इंडियन नेशनल लोकदल से, मैं एक सवाल है मेरा छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है। ये जो 16,000 कर्मचारियों की भर्ती आप क्यों नहीं कर पाए, उसका कोई जवाब आपके पास? जो आज छोट है हरियाणा में बसें खड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी 10 महीने में नहीं कर पाई, सच्चाई है। आपने 10 साल में क्यों नहीं करी है भर्तियां, क्या वजह रही? ऐसा है, आप जो सवाल पूछ रहे हो वो आज की सरकार में मौजूदा से पूछे हमारे सर। मैं आपका भी पूछ रहा हूँ, मैं इनसे भी पूछ रहा हूँ, 10 महीने में कुछ नहीं कर पाए आप, 10 साल में भर्तियां क्यों नहीं कर पाए आप, वो आपका भाई है। हम लोगों ने तो 50,000 भर्तियां निकाली हुई हैं, वो भिन्न भिन्न विभागों की निकाली है। आप लोगों ने 16,000 भर्तियां नहीं की, कैंसिल करी है, नहीं कैंसिल। अरे भैया आप टॉपिक से भटकना नहीं है मुझे, आज विषय से नहीं भटकना है, महिला सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट रोडवेज की बात कर रहे हैं, मेहरबानी करके आज कोई सियासत नहीं। जी आफ्ताब अहमद जी, फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे, एक लाइन में, वक्त की कमी है। मैं फिलहाल तौर पे ये कहूंगा कि ऐसी शर्मनाक घटनाएं अगर सरकारी महकमे में होती हैं तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए। और आज जो है निर्भय कांड के बाद, जो हमने एक बात को मानते हैं, समाज में जो जागरूकता आई और जो महिला सशक्तिकरण जिस तरीके से हम उसको समाज में कहते हैं, तो उसमें हमारी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि हम सुनिश्चित करें कि इस तरह की इस घटनाएं नहीं हो, चाहे उसके लिए हमें सोशल जो है अवेयरनेस करनी पड़े और चाहे सैनिटाइजेशन करनी पड़े इसमें से, ऐसे तरह के कर्मचारी या ऐसे तरह के जो अवांछित तत्व हैं हमारे सरकार के महकमे में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए आफ्ताब अहमद, पूर्व परिवहन मंत्री। अमू जी फाइनल कमेंट्स। निश्चित तौर पे कर्मचारियों को अपने व्यवहार के अंदर आज के माहौल को देखते हो अपने आप के व्यवहार को ठीक करना चाहिए। इस प्रकार की जो घटना आज हुई है और मंत्री जी ने जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई आज आपसे बात करने के बाद की है, निश्चित तौर पे ऐसी कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। अगर इस प्रकार की घटना आगे ना घटे उसके लिए काउंसलिंग वाला जो सुझाव आपका है उस पर भी विचार किया जाएगा। मैं अपनी बात सरकार में रखने वाले सुझाव आज से नहीं, पहले एक सर्वे समय से चल रहे हैं। सर्वे हुआ था कि बहुत सारे ड्राइवर ग्रामीण अंचल से आते हैं, साथ के साथ वो इंजन के पास बैठते हैं जो सारा दिन गर्मी देते हैं, गर्मी में उनका व्यवहार और उनका मानसिक संतुलन भी कई बार साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत होता है। ये बहुत क्या है कि इनका मेडिटेशन होना चाहिए या इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए इनके बिहेव की, ये पहले भी कई बार मुद्दे उठ चुके हैं। निश्चित तौर पर प्रदीप भाई आपने जो कहा है निश्चित तौर पर होनी चाहिए, होगी होगी कब, यहाँ तो जो है ना 4100 बसें हैं और उसके अंदर जो है ना कम से कम ज्यादा नहीं तो 3200 बसें चल रही हैं। आरसीसी बहरामपुर रोड खान साहब पूरे हरियाणा की बसें पड़ी हैं, लगभग 9 माह से 250 बसें खड़ी हैं। आपने कभी इस प्रकार का आपने कभी इस प्रकार की मांग अपने जीएम के माध्यम से प्रदेश में? जीएम कोई भी नहीं लेगा, आप पूछे, आप सुनो ना जी, आप लोगों ने सरकार को अगर नहीं दिए तो आपको लिख के देनी चाहिए, निश्चित तौर पर इस बारे में चर्चा की। सब रिकॉर्ड होते हैं, क्या चीज कारण है कि वो आक्रोश बाहर निकलता है, इन सब चीजों के पीछे भी जाने की जरूरत है अम्मू जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसे इन्होंने बताया 1992 से अगर प्रेशर है, इतना प्रेशर है, प्रेशर है जैसे बता रहे हैं, एक बस पर 3 का स्टाफ रह रहा है, पब्लिक जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इतना ब्लड पर मैं यहाँ तक भी दावे के साथ और रिकॉर्ड कह देता हूँ कि यदि किसी ने बात में या शादी में जाना है तो 5-6 दिन पहले कहना पड़ेगा, उसको छुट्टी मिले या ना मिले, ये हकीकत सच्चाई है। आज रोड पे कर्मचारी पिछा हुआ हर तरीके से। नवजोत जी एक और बड़ा झटका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के हरियाणा माँ के शुरुआत की थी, ये बहुत बड़ा झटका हमें लग रहा है और बड़ा शर्मसार होने की बातें हम सबको जितने बैठे, मैं तो शर्मसार हूँ इस बात से। ऐसी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी रोके, इनके हाथ में कानून है, व्यवस्था है और एक तरीके से एक सिस्टम से बेटर व्यवस्था। जल्दी देखिए ऐसा है कि मैं पहले तो बधाई देना चाह रही हूँ हरियाणा न्यूज चैनल को कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया, मुद्दा जब भी चैनल पे आता है जब भी कार्रवाई होती है महिलाओं के बारे में बिल्कुल, और ये एकदम मतलब बहुत इसका शुक्रिया करती हूँ। और दूसरा ये है कि हमें महिलाओं के लिए सरकार
चाहे कोई भी हो, महिलाओं के लिए जो वादे किए जाते हैं, महिलाओं के, अब एक तरफ तो पुलिस थाने इतने खोल दिए गए हैं, दूसरी तरफ महिला सुरक्षा, महिलाएं हैं ही नहीं बिल्कुल भी, तो थानों में कौन बैठेंगे, तो सुरक्षा कहाँ से होगी? तो हमें इन सब चीजों को देखना चाहिए। और जहाँ हमें ये जो मैनिफेस्टो की बात है, मैनिफेस्टो में जितना कहा था कि महिला गार्ड, अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा महिला गार्डों की जरूरत ही नहीं है, और जबकि देखिए कि पहले वोल्वो में महिला गार्ड साथ में चलती थी, आज कोई भी गार्ड नहीं है। तो ये सब चीजों पे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, महिलाओं की सुरक्षा का बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जो सबसे पहली बात है कि इस तरह की घटनाएं पूरे समाज पर कलंक है, सरकार पर ही नहीं। दूसरी बात ये है कि सरकार को जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, हाँ, तब तक इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगेगा। कड़ी कार्रवाई का डर और काउंसलिंग दोनों बहुत जरूरी हैं, तभी जाकर ये इन घटनाओं पर रोकथाम लगेगी। बिल्कुल, चाहिए सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि मंत्री कृष्ण पवार ने ये कहा है कि दो जो लोग थे फतेहाबाद केस में उनको चार्जशीट कर दिया गया है, और वॉल्वो के बस एंड ड्राइवर के जो कंडक्टर एंड ड्राइवर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी बरकरार है वो ये है कि व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक एक महिला, एक लड़की, एक बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ लेते हैं आपसे इजाजत कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो बातें सरकार करती है उसे इम्प्लीमेंट होते हुए आप और हम देखें। नमस्कार। ये बस आपको पब्लिक सेवा के लिए दे रखी है, ना कि वहां पे बस टाइम में घुमाते हो इसको। पूरे लगे कड़ी करके मैं खड़े जाऊंगी।